सो ओके गाइस, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ। सिंपल आपको वीडियो को डाउनलोड करना है और काइन मास्टर अप्लीकेशन को भी। इसके बाद आपको काइन मास्टर अप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद आपको एक वीडियो शूट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो मैं आपको वीडियो को एक बार प्ले कर भी दिखा देता हूँ वीडियो को आपको किस तरह से शूट करना है। तो सबसे पहले वीडियो में ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वीडियो आपका कुछ इस तरह से शूट किया गया है। तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। इसके बाद मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ। सिंपल आपको वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सबसे इस वीडियो को भी मैं ओरिजिनल साउंड को म्यूट करता हूँ। इसके बाद अब मैं आपको एक बार वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूँ। वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यदि इस तरह के वीडियो आप बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन है मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ। सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो है वो आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करना है, इसको आपको डिलीट कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, लास्ट का साउंड जो है वो हमारा स्लो हो जाता है, तो आपका साउंड स्लो नहीं होगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट पर आता है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो आपका जो वीडियो आपको फर्स्ट वाले वीडियो लेके आएंगे तो आपको ध्यान रखना है 4.3 या फिर 4.5 तक का आपका वीडियो चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं 4.5 तक कर लेकर आया हूँ। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है मैं आपको एक साउंड लिंक दे दूंगा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेंडर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।